क्वेश्चन नंबर वन, सीजीएस यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज, सानू जो है इलेक्ट्रिक चार्ज का सीजीएस यूनिट दसना है। तो ऑप्शनस हैं साढ़े को, ऑप्शन ए है कूलम, ऑप्शन बी है जूल या जाउल, ऑप्शन सी है फेरेडे, ऑप्शन डी है स्टेट कूलम। हाँ जी, इहदा सही जवाब है इलेक्ट्रिक चार्ज का सीजीएस यूनिट होंदा है स्टेट कूलम्ब। ऑप्शन डी जो है स्टेट कूलम्ब इज द राइट आंसर। सेकंड है जी, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इज, भी इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की है। ऑप्शन ए स्केलर, ऑप्शन बी ए वेक्टर डायरेक्टेड फ्रॉम माइनस क्यू टू प्लस क्यू, ऑप्शन सी नाइदर स्केलर नोर वेक्टर, ऑप्शन डी ए वेक्टर डायरेक्टेड फ्रॉम प्लस क्यू टू माइनस क्यू। हाँ जी, इहदा सही जवाब है ऑप्शन बी ए वेक्टर डायरेक्टेड फ्रॉम माइनस क्यू टू प्लस क्यू, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है जी क्वेश्चन नंबर थर्ड, किरशॉफ्स फर्स्ट लॉ इज बेस्ड ऑन द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ, भी जिहड़ा किरशॉफ दा फर्स्ट लॉ सी ओ किस दे कंजर्वेशन दे लॉ दे उपर बेस्ड सी। ऑप्शन ए है एनर्जी, ऑप्शन बी है मोमेंटम, ऑप्शन सी है चार्ज, ऑप्शन डी है ऑल ऑफ दीज। हाँ जी, इहदा सही जवाब है ऑप्शन सी चार्ज। जिहड़ा किरशॉफ दा फर्स्ट लॉ सी उहदे विच लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज दी गल कीती गई है। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर फोर, वट मटीरियल इज ए पोटेंशियोमीटर वायर नॉर्मली मेड, जिहड़ी पोटेंशियोमीटर दी वायर हुंदी है उह किस मटीरियल दी जो है बनी हुंदी है। ऑप्शन ए है कॉन्सटेंट और मैगनीन, ऑप्शन बी निकल, ऑप्शन सी कॉपर, ऑप्शन डी जिंक। हाँ जी, इहदा सही जवाब है ऑप्शन ए कॉन्सटेंटन और मैगनीन। ठीक है, कॉन्सटेंटन और मैगनीन इहदी जो है ए पोटेंशियोमीटर दी वायर जो है बनी हुंदी है, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर फाइव है जी, मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड करंट कैरिंग सोलेनोइड डिपेंड्स अपॉन, जिहड़ा करंट कैरिंग वाला सोलेनोइड हुंदा है उसके अंदर इनसाइड की गल हो रही है, मैग्नेटिक फील्ड जो है वह किसके उपर डिपेंड करता है। ऑप्शन ए करंट, ऑप्शन बी नेचर ऑफ मटीरियल, ऑप्शन सी नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज। हाँ जी, इहदा सही जवाब है ऑप्शन डी, जिहड़ा करंट कैरिंग सोलेनोइड होंदा है उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड इन्हों तिना के उपर करंट, नेचर ऑफ मटीरियल ते नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, इन्हों तिना के उपर जो है डिपेंड करता है। ऑप्शन डी जो है ऑल ऑफ दीज इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, द एंगल बिटवीन मैग्नेटिक मेरीडियन एंड जियोग्राफिक मेरीडियन इज कॉल्ड, मैग्नेटिक मेरीडियन ते जियोग्राफिक मेरीडियन दे विच जो एंगल हुंदा है उसनों असी की कहने हाँ। ऑप्शन ए है एंगल ऑफ डिक्लिनेशन, ऑप्शन बी एंगल ऑफ डिप, ऑप्शन सी सम टाइम एंगल ऑफ डिक्लिनेशन एंड सम टाइम एंगल ऑफ डिप, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। हाँ जी, इहदा सही जवाब है ऑप्शन ए एंगल ऑफ डिक्लिनेशन। हाँ जी, ऑप्शन ए एंगल ऑफ डिक्लिनेशन जो है राइट आंसर है। नेक्स्ट है जी सेवंथ, पाथ ऑफ चार्ज्ड पार्टिकल एंटरिंग यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड एट एन एंगल 60 डिग्री इज, एक चार्ज्ड पार्टिकल है उसके पाथ नूं असी जो है दसना है, अगर वो एंटर करता है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड दे विच ते उसका जो एंगल है वह 60 डिग्री का है। ठीक है, सानू जो है उस चार्ज्ड पार्टिकल दे पाथ दे बारे जो है दसना है भी वह स्ट्रेट लाइन होएगा, हैलीकल होएगा, पैराबोला होएगा जा सर्कुलर होएगा। तो इहदा सही आंसर है हैलीकल, ऑप्शन बी जो है हैलीकल इज द राइट आंसर।
नेक्स्ट है सेवेंथ, नेक्स्ट है एट्थ। इन मूविंग कोइल गैल्वेनोमीटर वी यूज रेडियल मैग्नेटिक फील्ड सो दैट द स्केल इज। जो मूविंग कोइल गैल्वेनोमीटर हुंदा है उहदे विच असी रेडियल मैग्नेटिक फील्ड दा यूज करते हाँ, ते इस दे नाल स्केल जो है सो दैट द स्केल इज। ऑप्शन ए लॉगरिथमिक, लॉगरिथमिक। ऑप्शन बी एक्सपोनेंशियल, ऑप्शन सी लीनियर, ऑप्शन डी नन। हाँ जी, इहदा सही जवाब है भी जो स्केल है वो लीनियर हुंदा है। ठीक है, सो दैट द स्केल इज लीनियर। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, लीनियर। हाँ जी, नेक्स्ट है जी हेनरी, हेनरी इज द यूनिट ऑफ। हेनरी जो है वो यूनिट है रेजिस्टेंस दी, मैग्नेटिक फील्ड दी, मैग्नेटिक फील्ड। अच्छा, इन्होंने दो बारी दे दिता है जी, ऑप्शन बी वाला जो है मैग्नेटिक फील्ड जो है बी और सी दे विच दो बारी आया है। हाँ जी, ऑप्शन डी है जी इंडक्टेंस। तो इधर जो राइट आंसर है जो हेनरी है वो यूनिट होंगी है इंडक्टेंस दी। ठीक है, ऑप्शन डी इंडक्टेंस इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग रेडिएशंस हैज लीस्ट वेवलेंथ। इन्हां दे विचों केड़ी रेडिएशंस दी सब तो घट वेवलेंथ होंगी है। ऑप्शंस है साढ़े को एक्स रेस, गामा रेस, बीटा रेस, अल्फा रेस। हाँ जी, इहदा आंसर है जी ऑप्शन बी है गामा रेस। ऑप्शन बी गामा रेस इज द राइट आंसर। इन्होंने पूछा सी केड़ी रेडिएशंस दी लीस्ट वेवलेंथ यानी कि सब तो घट वेवलेंथ होंगी है, तो ऑप्शन बी गामा रेस इज द राइट आंसर। सेलेक्ट, अगला क्वेश्चन है जी, सेलेक्ट द रेस विच आर बीइंग एमिटेड बाय अ ह्यूमन बॉडी। सानू वो रेस दसनिया ने जो कि ह्यूमन बॉडी यानी कि जो इंसानी जो शरीर है उस दे विच्चों जो है एमिट का मतलब होंगे निकलना। ठीक है, तो ह्यूमन बॉडी दे विच्चों केड़ी रेस एमिट होंदिया हैं यानी कि निकलदिया हैं। तो ऑप्शंस हैं विजिबल रेस, एक्स रेस, यूवी रेस, इंफ्रारेड रेस। हाँ जी, इधर सही जवाब है ऑप्शन डी इंफ्रारेड रेस। ऑप्शन डी इंफ्रारेड रेस जो है ह्यूमन बॉडी के विचों एमिट होंदिया हैं। हाँ जी, नेक्स्ट है जी ए डबल कन्वेक्स लेंस इज कॉल्ड ए। डबल कन्वेक्स लेंस नूं कहा जाता है कन्वर्जेंट लेंस, डाइवर्जेंट लेंस, नन ऑफ दीस, कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट डिपेंडिंग। हाँ जी, इहदा सही जवाब है भी जो डबल कन्वेक्स लेंस होंदा है उसनों कहा जाता है ऑप्शन ए कन्वर्जेंट लेंस। ऑप्शन ए कन्वर्जेंट लेंस इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13, द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्ट्रिक्ट विजन इज। भी वो केड़ा जो है डिस्टेंस है सब तो घट जिस तो जो है असी मतलब सानू जो है दिखना जो है स्टार्ट होंदा है। डिस्टिंक्ट विजन होंदा है भी असी हर एक अक्षर नू वक् वक् जो है मतलब पढ़ सकते हाँ, तो वो घट तो घट डिस्टेंस केड़ा है, वो डिस्टेंस है 25 सेंटीमीटर का। ठीक है, ऑप्शंस दे रखे हैं 10 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर, नन ऑफ दीस। तो आंसर है 25 सेंटीमीटर या फिर 25 सेंटीमीटर। नेक्स्ट है जी क्रिटिकल एंगल ऑफ लाइट पासिंग फ्रॉम ग्लास टू एयर इज मिनिमम 4। सानू जो है लाइट का जो है क्रिटिकल एंगल दसना है जदों वो ग्लास तो एयर यानी कि कांच तो हवा दे विच जो है वो पास कर रही है इस मिनिमम 4। ते मिनिमम होना चाहिदा है, मिनिमम किदे वास्ते होएगा सानू कलर दसना है। ठीक है, तो कलर है जी इत्थे रेड, ग्रीन, येलो, वायलेट। हाँ जी, तो मिनिमम जो है ये वायलेट वास्ते होंदा है। ठीक है, ऑप्शन डी जो है वायलेट इज द राइट आंसर। जो लाइट है उसका क्रिटिकल एंगल अगर वो ग्लास तो एयर दे विच पास कर रही है तो मिनिमम मिनिमम होएगा वायलेट कलर वास्ते। ऑप्शन डी वायलेट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है जी द आइडिया ऑफ सेकेंडरी वेव, सेकेंडरी वेवलेट। ओके, द आइडिया ऑफ सेकेंडरी वेवलेट, ये जो वेव दे नाल लेट है वो वेव दे नाल ही आना चाहिए था है क्योंकि ये
कंबाइंड एक वर्ड होंगे है. द आइडिया ऑफ सेकेंडरी वेवलेट फॉर प्रोपेगेशन ऑफ ए वेव वॉज फर्स्ट गिवन गिवन बाय. तो सेकेंडरी वेवलेट का जो आइडिया है या सेकेंडरी वेवलेट की प्रोपेगेशन का जो आइडिया है ऑफ ए वेव, इसनों किसने दिता सी? ऑप्शनस है हाइगन्स या हीजन्स, तो बी है न्यूटन, मैक्सवेल ते फ्रेसनल. हाँ जी, इहदा राइट आंसर है जी हाइगन्स. ऑप्शन ए हाइगन्स ने यह आइडिया दिता सी सेकेंडरी वेवलेट का फॉर प्रोपेगेशन ऑफ ए वेव. हाँ जी, नैक्सट जी द फिनोमिना ऑफ इंटरफेरेंस इज शोन बाय. इंटरफेरेंस का फिनोमिना जो है वो विखाया जाता है ऑप्शन ए लोंगीट्यूडिनल मकैनिकल वेव, ऑप्शन बी ट्रांसवर्स मकैनिकल वेव, ऑप्शन सी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ऑल द अबव टाइप्स ऑफ वेव्स. तो देखो जो ये फिनोमिना है इंटरफेरेंस का, ये जो है इन सारी ही वेव्स के थ्रू जो है विखाया जाता है, शोन किया जाता है. तो ऑप्शन डी जो है ऑल द अबव टाइप्स ऑफ वेव्स इज द राइट आंसर. नेक्स्ट है जी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शोज. जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है वो की शो करता है? ऑप्शन ए वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऑप्शन बी पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट, ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी, ऑप्शन डी नन. हाँ जी, तो जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है वो सानू जो है पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट, ठीक है, ऑप्शन बी जो है पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट ये जो है शो करता है. नेक्स्ट है एनर्जी ऑफ ए फोटोन ऑफ फ्रीक्वेंसी न्यू. तो सानू जो है उस फोटोन की एनर्जी दसनी है जिसकी फ्रीक्वेंसी न्यू है. तो जो फार्मूला है वो दसना है. ऑप्शन ए है एच अपोन न्यू, ऑप्शन बी है न्यू अपोन एच, ऑप्शन सी है एच न्यू, ऑप्शन डी है एच न्यू अपोन सी. तो इहदा राइट आंसर है फोटोन की एनर्जी जिसकी फ्रीकुएंसी न्यू होंगी है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, ऑप्शन सी एच न्यू, ऑप्शन सी एच न्यू इज द राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन है जी द टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटिंग अराउंड द न्यूक्लियस इन द ग्राउंड स्टेट ऑफ द एटम इज. हाँ जी, इलेक्ट्रॉन की सानू टोटल एनर्जी दसनी है जो ऑर्बिटिंग होंदा है, मतलब अपने ऑर्बिट के विच चक्कर लगाना अराउंड द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस दे अराउंड इन द ग्राउंड स्टेट ऑफ द एटम, तो एटम की ग्राउंड स्टेट के विच, ठीक है. हाँ जी, ऑप्शन ए है जीरो, ऑप्शन बी है लैस दैन जीरो, ऑप्शन सी है मोर दैन जीरो, ऑप्शन डी है कैन नॉट से. तो देखो इसका आंसर है जी ऑप्शन बी लैस दैन जीरो. जो इलेक्ट्रॉन है उसकी टोटल एनर्जी जो न्यूक्लियस के अराउंड ऑर्बिटिंग कर रहा है यानी कि चक्कर लगा रहा है इन द ग्राउंड स्टेट ऑफ द एटम, और अपनी एटम की जो है ग्राउंड स्टेट के विच है, तो उसकी एनर्जी जो है वो लैस दैन जीरो होंगी है, ठीक है. ऑप्शन बी लैस दैन जीरो इज द राइट आंसर. नेक्स्ट है वेवलेंथ इन ए स्पेक्ट्रम इज इनवर्सली प्रपोर्शनल टू. स्पेक्ट्रम दे विच जो वेवलेंथ होंगी है वो इनवर्सली प्रपोर्शनल है डिफरेंस इन एनर्जी लेवल्स दे, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दे, नन ऑफ दीस. तो राइट आंसर है जी ऑप्शन ए डिफरेंस इन एनर्जी लेवल्स. जो वेवलेंथ है स्पेक्ट्रम दी या स्पेक्ट्रम दे विच जो वेवलेंथ होंगी है वो इनवर्सली प्रपोर्शनल होंगी है टू द डिफरेंस इन एनर्जी लेवल्स. नेक्स्ट है द एनर्जी बैंड गैप इज मैक्सिमम इन. जो एनर्जी का जो बैंड गैप है वो मैक्सिमम होंदा है मेटल्स दे विच, सुपर कंडक्टर्स दे विच, इंसुलेटर्स दे विच या सेमी कंडक्टर्स दे विच. तो इहदा राइट आंसर है जी ऑप्शन सी, ऑप्शन डी है जी इहदा आंसर सेमी कंडक्टर. हाँ जी, जो एनर्जी बैंड गैप है वो मैक्सिमम होंदा है एनर्जी बैंड गैप इन द
जस्ट वन मिनट, इहदे विच थोड़ा जिहा कन्फ्यूजन होया है। ऑप्शन सी इंसुलेटर्स है इज द राइट आंसर। जो एनर्जी बैंड गैप है वह मैक्सिमम हुंदा है इंसुलेटर्स दे विच। ठीक है, एनर्जी बैंड गैप मैक्सिमम हुंदा है इंसुलेटर्स दे विच। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है होल्स कैन एग्जिस्ट इन। जो होल्स हैं वो एग्जिस्ट कर सकते हैं मेटल्स दे विच, इंसुलेटर्स दे विच, सेमी कंडक्टर्स दे विच, जा नन ऑफ दीज। द राइट आंसर है ऑप्शन सी सेमी कंडक्टर्स। होल्स कैन एग्जिस्ट इन सेमी कंडक्टर्स। नेक्स्ट है जी, व्हेन सेमी कंडक्टर इज हीटेड इट्स रेजिस्टेंस। जदों सेमी कंडक्टर नू हीट किया जाता है तो उसका जो रेजिस्टेंस है वह डिक्रीज करता है, इनक्रीज करता है, रिमेन्स अनचेंज भी उसमें कुछ नहीं होता है, नथिंग इज डेफिनेट। द राइट आंसर है जी डिक्रीज। ऑप्शन ए डिक्रीजिज इज द राइट आंसर। भी जदों सेमी कंडक्टर नू हीट किया जाता है तो उसका रेजिस्टेंस जो है डिक्रीज करता है। हाँ जी, अगे ट्रू और फॉल्स वाली स्टेटमेंट्स हैं। ऑन डोपिंग द कंडक्टिविटी ऑफ ए सेमी कंडक्टर इनक्रीजिज। भी जे अगर सेमी कंडक्टर की डोपिंग की जाए, सेमी कंडक्टर की अगर डोपिंग की जाए तो उसकी जो कंडक्टिविटी है वो इनक्रीज करती है। सानू दसना है भी ये ट्रू है या फॉल्स है, तो ये ट्रू है। अगर सेमी कंडक्टर की डोपिंग की जाए तो उसकी कंडक्टिविटी इनक्रीज करती है, दिस इज ट्रू। नेक्स्ट है फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन इज नॉट पॉसिबल एट आल फ्रीक्वेंसीज। जो फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन है वो सारी फ्रीक्वेंसीज के ऊपर पॉसिबल नहीं है, ये भी जो है ट्रू है। हाँ जी, नेक्स्ट है द पावर ऑफ थिक लेंस इज स्मॉलर देन दैट ऑफ ए थिन लेंस। जो थिक लेंस होता है उसकी पावर जो है वो स्मॉलर होती है थिन लेंस की पावर के कंपेरिजन के। ठीक है, द पावर ऑफ थिक लेंस इज स्मॉलर देन दैट ऑफ ए थिन लेंस, तो ये जो है फॉल्स है। ठीक है, भी जो थिक लेंस है उसकी पावर जो है स्मॉलर नहीं होती है थिन लेंस के कंपेरिजन के। हाँ जी, तो जो ये थर्ड वाला सी ये फॉल्स है। नेक्स्ट है जी, द सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ ए स्ट्रेट कंडक्टर इज जीरो। स्ट्रेट कंडक्टर का जो सेल्फ इंडक्टेंस है वो जीरो होता है, ये जो है ट्रू है। हाँ जी, स्ट्रेट कंडक्टर का सेल्फ इंडक्टेंस जीरो होता है, ये ट्रू है। नेक्स्ट है द एंगल ऑफ डिप वेरीज बिटवीन जीरो डिग्री एंड 90 डिग्री। जो डिप का जो एंगल है, एंगल ऑफ डिप, वो वेरी करता है बिटवीन 0 डिग्री एंड 90 डिग्री। हाँ जी, दिस इज ऑल्सो ट्रू, ये भी जो है ट्रू है।